नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के बारे में जानकारी देंगे, जो कि इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 62 रुपये है और इस सिरप की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है, और यह सिरप 30 ml की पैकिंग में आती है। बात करें इस सिरप की कंपनी के बारे में, तो इस सिरप को माइनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। आइए जान लेते हैं इस सिरप के कंटेंट के बारे में। तो इस सिरप के कंटेंट में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट होता है। इस सिरप के प्रत्येक 5 ml में एमोक्सिसिलिन 200 mg में होता है और पोटेशियम कार्बोनेट 28.5 mg में होता है। आइए जान लेते हैं मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप का यूज किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो इसके यूजेस की बात की जाए, तो यदि बच्चे के गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिल की समस्या हो गई है, खांसी आ रही है, गले में दर्द हो गया है, सूजन हो गई है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, फुंसी हो गई हो, उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बच्चों के पेशाब संबंधित समस्याएं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब नली में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाना, या पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, तो उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल यदि नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वायुनली या फेफड़ों में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया की समस्या हो, या फिर ब्रोंकाइट की समस्या हो, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जैसे कि बच्चों की त्वचा में कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, त्वचा में दाने निकल गए हों, त्वचा में खुजली हो रही हो, त्वचा में सूजन या लाल हो गई हो, उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर भी किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी या कहीं पर कट गया हो, उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सब मॉक्सिकाइंड ड्राई सिरप के मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल कई अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस सिरप की डोज एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, इस सिरप की नॉर्मल डोज की बात की जाए, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल का है तो उसे 2 ml सुबह शाम दिया जा सकता है, और यदि 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो उसे 2 से 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। यदि बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होती है। और आइए जान लेते हैं मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट में दस्त होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना,
सरदर्द होना, जी मचराना, उल्टी आना और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। यह सब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि इस सिरप को लेने के बाद आपके बच्चे में ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो इस सिरप को बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।